हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे टेस्टी एंड डिलीशियस पनीर काठी रोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पनीर काठी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठे का आटा गूंदेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा लिया है। साथ ही में यहाँ पे मैं ऐड करूंगी नमक स्वाद अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून। आप ऑयल के बदले यहाँ पे घी भी यूज कर सकते हो। ऑयल और घी से हमारे पराठे फ्लेकी एंड क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे आटे में और सॉफ्ट आटा गून के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वार्म वाटर यूज किया है, तो आप थोड़ा गुनगुना पानी ही यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने मैदा भी यूज किया है। और एक सॉफ्ट डो लगा के रेडी करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डो लग के रेडी हो गया है। तो अभी हमारा ये डो सूख ना जाए उसके लिए यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जितना मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है। और फिर से हम इसको थोड़ा नीड करेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हमें पनीर को मैरिनेट करना है। तो पनीर को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में ऐड किया है 4 टेबलस्पून ऑयल। इसे लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर यहाँ पे मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा गरम मसाला, आमचूर पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून, थोड़ी सी हींग यूज की है, और ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला। तो ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला आप थोड़ा ध्यान से यूज कीजिएगा, क्योंकि आपने नमक भी ऐड किया है इसमें, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और यहाँ पे मैंने दही ऐड किया है करीबन 3 से 4 टेबलस्पून। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन को मैंने रोस्ट करके ऐड किया है, 3-4 टेबलस्पून बेसन है। इसको मैंने रोस्ट कर लिया था 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने यूज किया है। अभी सारी चीजों को हम एक बार मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमारा पनीर को जो मैरिनेट करना है उसके लिए मसाला पनीर रेडी हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर ऐड किया है। पनीर को मैंने क्यूब में कर लिया है। ये जो सारा मसाला हमने प्रिपेयर किया है वो हम पनीर को से कोट कर ले, इस तरह से हम मिक्स करके रेडी कर देंगे। और ये मैरिनेशन को हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने से पहले मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, जिससे जो मसाला है अच्छे से पनीर एब्जॉर्ब कर ले। और मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी भी ऐड किया है। तो अभी हम मसालों को अच्छे से कुक करेंगे और जो मसाले हैं पनीर को अच्छे से कोट कर ले और ये थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा, तब तक हम इसको कुक करेंगे और जो बेसन है वो भी अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हो हमारे पनीर के सारे पीसेस अलग हो चुके, सेपरेट हो चुके, और ये मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हमारा पनीर रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम बनाएंगे सॉस। सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हरी चटनी यूज की है और उसमें मैंने ऐड किया है मायोनीस, और दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी हरी सॉस बनके रेडी हो चुकी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी हमने जो आटा गूंद के रखा था उसमें से हम थोड़ा आटा लेके पराठा बेल लेंगे। तो आपको जितना बड़ा रैप चाहिए इसके हिसाब से आप पराठा बेल लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम पराठे के ऊपर पतला लेयर ऑयल का स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे आप ऑयल के बदले घी भी यूज कर सकते हो। और पराठे को हम इस तरह से कट्स दे देंगे। कट्स देने के बाद हम ये प्लीट्स को हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और एक पेड़ा बना के हमें रेडी कर देना है। और पेड़े के ऊपर हम थोड़ा सूखा आटा इसको इसके ऊपर डस्ट कर देंगे और एक पतला पराठा बेल के रेडी कर देंगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो काठी रोल का पराठा होता है वो पतला होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा पराठा बेल के रेडी हो चुका है। तो अभी हम ये पराठे को सेक लेंगे। दोनों साइड से हमें इसको अच्छे से सेक लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल, घी या फिर बटर स्प्रेड करके दोनों साइड से हमें इसको अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा पराठा रेडी हो चुका है, दोनों साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। तो चलिए असेंबल करते हैं अभी काठी रोल।
नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम जो पराठा हमने बनाए हैं उसके ऊपर हम मैं ये हरी सॉस लगा लूंगी जो हमने बना के रेडी रखी थी। उसके बाद जो हमने पनीर कबाब्स बना के रेडी रखे थे वो हम डाल देंगे, और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी येलो और रेड शिमला मिर्च डाल दूंगी, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अनियंस भी डाली है, कट की है छोटी छोटी, और थोड़ी सी कोरिएंडर धनिया डाला है, और यहाँ पे मैं थोड़ी चीज स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहो वो सैलेड्स यहाँ पे डाल सकते हो, थोड़ा सा ऊपर से नींबू भी डाल दीजिए अगर आप चाहो तो, मैंने नहीं डाला है। और अभी ये रोल को हम इस तरह से रोल कर देंगे, और यहाँ पे मैं जो पार्चमेंट पेपर है उसको इस तरह से नीचे रख के रोल को रैप कर दूंगी। और ये पनीर काठी रोल आप बच्चों को लंच में पैक करके भी दे सकते हो, ये बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी लगते हैं। तो आज की आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, के लिए बाय, टेक केयर।